ये आज हम लोगों ने दो जगहों पे ऑपरेशन किया था, एक यहाँ पे एयरपोर्ट चौक पे जो मेन यहाँ पे थाना है यूपून टावर के साथ, यहाँ पे एक आइसक्रीम और कुल्फ़ी की पेटी थी। यहाँ पे अनहाइजीनिक कंटेमिनेटेड एडल्टरेटेड वगैरह कुल्फ़ी वगैरह और आइसक्रीम वगैरह प्रोसेस करो, और ये लोग अपने ही वो लगाते, लेबलिंग लगाते, बाज़ार से जो दूध लाया है इस दूध पे कोई इस पे एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं, मार्केट में ये सारी ये जो कुल्फ़ी वगैरह बना रहे हैं ये बिल्कुल इसमें कलर वगैरह कोई भी स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है। और ये आज हम लोगों ने कर दी है, इसमें इन लोगों ने नहीं मिल्क वगैरह ईरानी वगैरह ईरानी मिल्क इन्होंने वो किए थे, तो इसमें सारा गंद स्मेल आ रहा है, बैड स्मेल। तो इसको हम लोगों अभी इसको हम लोगों ने सील करना है कम से कम 3 दिन के लिए, फिर नहीं डीजी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक हम लोग फिर इसको नेक्स्ट स्टेप इसका फिर उनके साथ अलावाल कर लें इंशाल्लाह। हम लोग इसके सैम्पलिंग वगैरह नहीं पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ इंशाल्लाह सेंड कर देंगे, वहाँ से जो ही रिपोर्ट्स आ जाए तो फिर इनको वापस रीसेल कर देंगे।